आज जम्मू के डोडा में पीएम मोदी करेंगे चुनावी शंखनाद। पीएम मोदी डोडा में जनसभा को संबोधित करेंगे। डोडा में 45 साल बाद किसी प्रधानमंत्री की रैली होगी। पीएम मोदी जनता को देंगे बदलाव का संदेश, करेंगे विकास का वादा। और आइए इस रैली की बड़ी बातें क्या हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं बिग बॉल के माध्यम से। तो डोडा में पीएम मोदी का चुनावी शंखनाद, जम्मू के डोडा में आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी है और इस तरह से चुनावी अभियान की शुरुआत होगी। ऐतिहासिक कार्यक्रम डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा प्रधानमंत्री का और यहां पर वो संबोधित करेंगे। चार दशकों में किसी प्रधानमंत्री की यहां पर यह पहली रैली होगी। 1979 में इंदिरा गांधी ने डोडा में चुनावी रैली की थी और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कई दशकों तक आतंकवाद से प्रभावित रहा है डोडा, यहां पर टेररिज्म का असर रहा है। डोडा रैली के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी काफी हाई है। रैली स्थल की ड्रोन से भी निगरानी होगी, ड्रोन से नजर रखी जाएगी। रैली के लिए पूरा स्टेडियम परिसर सील कर दिया गया है और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पीएम मोदी डोडा रैली से पूरे चुनाव क्षेत्र का साध सकते हैं और कैसे है ये अब आपको समझाते हैं। देखिए, डोडा में पीएम की रैली हो रही है, चुनाव क्षेत्र पर इसका असर कैसे पड़ेगा। दरअसल चुनाव क्षेत्र के नाम से मशहूर है डोडा। चुनाव क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, डोडा, डोडा पश्चिम, भद्रवाह, किश्तवाड़, इंद्रवाला, पाडर, नागसेनी, रामबन और बनिहाल। बीजेपी के मिशन 50 के लिए सभी सीटें अहम है। बीजेपी जम्मू की सभी 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और डोडा की रैली से क्या संदेश देंगे प्रधानमंत्री, यह भी महत्वपूर्ण है। नए कश्मीर की तस्वीर दुनिया के सामने रख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विकास और अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दे को भी उठा सकते हैं प्रधानमंत्री। विपक्षी पार्टियों के दुष्प्रचार पर जवाब दे सकते हैं। पाकिस्तान से वार्ता की बात करने वालों को घेर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये अहम मुद्दे हो सकते हैं प्रधानमंत्री के संबोधन में। और हमारे साथ इस वक्त डोडा से हमारे संवाददाता अंकित भट्ट जुड़े हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। अंकित, क्या तैयारी है? ऐतिहासिक सभा होने वाली प्रधानमंत्री की और यह भी कहा जा रहा है कि एक लंबे अरसे बाद प्रधानमंत्री भारत का प्रधानमंत्री इस जगह पर कोई चुनावी जनसभा कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इससे पहले इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी वो डोडा जिले में यहां पर आई थी और इसी ऐतिहासिक ग्राउंड में उन्होंने रैली को संबोधित किया था। उसके बाद 2024 चल रहा आज और इतने अरसे के बाद एक प्रधानमंत्री देश का जो है वो खुद इन इलाकों में पहुंच रहा है। काफ़ी फार फ्लंग इलाका है चिनाब वैली, इसको कहा जाता है, डोडा, किश्तवाड़, रामबन रेंज को। और यहां पर तकरीबन 12:30 और 1 बजे के बीच जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं, अपने कैंडिडेट्स के लिए यहां पर प्रचार प्रसार करेंगे। और जाहिर तौर पर क्योंकि 18 तारीख को इसी जगह पर पहले फेज के वोटिंग होने जा रही है और कितना प्रभाव डालती है प्रधानमंत्री के यहाँ पर आने से ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कार्यकर्ताओं में ज़रूर जो है उत्साह साफ तौर पे देखने को मिल रहा है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और इतने अरसे के बाद इस इलाके में यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री आ रहे हैं। बिल्कुल अंकित, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। आपको साथ ही ये भी बता दें कि डोडा के साथ आज पीएम मोदी की एक रैली हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी होगी। रैली दोपहर 2 बजे होगी और प्रधानमंत्री यहां जाएंगे क्योंकि हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव है और इसलिए आज प्रधानमंत्री की हरियाणा में भी एक रैली होनी है। पहली रैली के लिए जम्मू कश्मीर के डोडा पहुंचेंगे और उसके बाद हरियाणा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब चलते हैं पटना। पटना में वक्फ बोर्ड से जमीन को लेकर एक और विवाद। सरकारी जमीन को वक्फ की जमीन बताकर हो रहा निर्माण कार्य, निर्माण कार्य कराने का स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं। विरोध में लोगों ने किया है प्रदर्शन। देखिए पटना से यह खबर है, पटना में सरकारी जमीन पर वक्फ वर्सेस स्थानीय लोग की अब जंग छिड़वी नजर आ रही है। बताया जा रहा है तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक ही इलाके में जमीन पर वक्फ से दो दो विवाद अब खड़ा हो चुका है। कहा जा रहा है कि अब सरकारी जमीन को वक्फ की जमीन बताया जा रहा है, इसी को लेकर के पूरा विवाद गरमा रहा है।
और राजधानी पटना में वक्फ बोर्ड के साथ जमीन को लेकर एक और विवाद सामने आया है। पटना जिले के फतुहा में सरकारी जमीन पर वक्फ बोर्ड की जमीन बताकर निर्माण कार्य कराने का स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है। कुछ दिन पहले ही फतुहा के गोविंदपुर में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। स्थानीय नागरिक और वक्फ बोर्ड के बीच तनातनी का यह मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि दूसरा मामला सामने आ गया है और फिर से एक नया विवाद पटना में देखने को मिल रहा है। तो पटना में फिर से वक्फ से जमीन पर विवाद, फतुहा रेलवे स्टेशन के पास निर्माण पर विवाद हो रहा है। सरकारी जमीन को वक्फ की जमीन बता करके मार्केट निर्माण किया गया। दुकानदारों से मार्केट बनाने के नाम पर पैसे की उगाही का आरोप है। फिलहाल जमीन पर मार्केट अर्धनिर्मित स्थिति में है और आइए इस पूरे विवाद पर स्थानीय लोगों का क्या कहना है ये सुनते हैं। ये कब्रिस्तान के नाम पे अधिग्रहण कर लिया इन्होंने काफी भूमि और उसमें 14-14 अर्धनिर्मित दुकान है और आगे करीबन इसमें 40-50 दुकान है जो गरीब लोग लगाते हैं, उनसे इन लोग महीना चाहते हैं, महीने का डिमांड करते हैं। और कभी सरकारी माध्यम से कब्रिस्तान के आड़ पे हर समय इन लोगों का दोहन किया जाता है, जबकि ये वास्तविक भूमि आपकी जो है वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रोड की है, मेजर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रोड है। और सर, हम लोग इसके कब्रिस्तान के भूमि को बिल्कुल नहीं टच करते, बल्कि इन्होंने ही कब्रिस्तान के भूमि के अंदर ट्रांसफार्मर इंक्रोच कर लिया, 14-14 दुकानें बना ली। इस पूरे प्लॉट को ये चाहते हैं कॉमर्शलाइज कर लेना। अभी वर्तमान में सचिव अमजद रजा है वक्फ बोर्ड का, वक्फ बोर्ड का सचिव है। दुकान बनाने के नाम पर पैसा लिया, अलीबाम भर्ती पैसा लिया, उसके बाद अमजद रजा पैसा मांगने के लिए आया, खाली पैसा लेकर के कहता है कि हम दुकान बना के देंगे, नहीं तो पैसा हटवा देंगे। यही बार बार कह करके हम सबको तंग फजियत करता है। ये सब आतंकवादी के काम कर रहा है कि पैसा लो, ठगो और ऐश करो। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी पटना से रुपेश कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। रुपेश, ये पूरा मामला क्या है? जितना समझ में आ रहा है कि कहा जा रहा है कि सरकारी जमीन को वक्फ की जमीन बता दिया गया है और इसीलिए पूरा विवाद गहरा रहा है। देखिए, पटना के फतुहा में ये दूसरा मामला है। पहला मामला जो पिछले एक साल से चल रहा है और ख़ास करके ये मामला तब गर्म हुआ जब वक्फ को लेकर के जो विधेयक लाने की तैयारी हुई, उसके बाद से वक्फ बोर्ड ने नोटिस दे दिया स्थानीय लोगों को। जो गोविंदपुर है वहाँ पर वो पुश्तैनी ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है। स्थानीय लोगों का कहना है, जो हिंदू बस्ती बसी हुई है, अब उस पूरी बस्ती को ही वक्फ बोर्ड कह रहा है कि पूरी बस्ती हमारी ज़मीन पर बसी हुई है। उन्हें वक्फ बोर्ड के द्वारा नोटिस दिया गया और 30 दिनों के अंदर पूरी बस्ती खाली कराने को उसमें कहा गया है। अभी JPC के जो मेंबर हैं संजय जायसवाल, वो वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने तमाम कागजात भी देखे और इसकी रिपोर्ट भी वो JPC को देंगे। लेकिन उसके बाद एक दूसरा मामला सामने आया, जो फतुहा स्टेशन के ठीक सामने एक कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान के सामने जो ज़मीन है वो गैर मजरूआ ज़मीन है और वो मेजर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ज़मीन है, जिस पर पहले 24 मीटर रोड हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे कब्रिस्तान के सामने की ज़मीन को इंक्रोच करने का आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया। वहाँ पर 14 दुकानें बना दी गई जो कि अभी अर्धनिर्मित है और उसके ठीक सामने लोग, चूंकि जो स्थानीय दुकानदार हैं जिन्होंने गुमटी लगा रखी है प्रधानमंत्री योजना के तहत, वो वहाँ पे छोटी छोटी छोटे स्वरोजगार वहाँ पर करते हैं और वो वर्षों से करते आ रहे हैं। वहाँ का स्थानीय कुछ लोगों का कहना है कि उनके पिताजी भी यहाँ ये गुमटी लगाया करते थे, लेकिन अब वक्फ बोर्ड कह रहा है कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की गैर मजरूआ, यानी कि ये सरकारी ज़मीन नहीं है बल्कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन बता करके जो वक्फ बोर्ड के सचिव हैं उन्होंने ना सिर्फ वहाँ पर दुकानें बनाई हैं बल्कि उन दुकानों के आगे जो गुमटियाँ लगी हुई हैं वर्षों से, उन गुमटियों को भी कह रहे हैं। वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर एक और विवाद बिहार में, बिहार की राजधानी पटना में। शुक्रिया रुपेश आपका हमसे जुड़ने के लिए। अगली खबर शिमला की संजौली मस्जिद से जुड़ी हुई। जी हां, संजौली मस्जिद विवाद में लाठीचार्ज पर आज हिमाचल बंद। विश्व हिंदू परिषद समेत कई संगठन प्रदेश भर में करेंगे प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद ने बाजार बंद रखने की अपील की है। शिमला व्यापार मंडल ने VHP से बंद से किनारा किया है। तो बड़ी खबर आ रही है कि आज फिर बंद का अपील किया गया VHP की तरफ से। एक निवेदन हिमाचल प्रदेश के सभी व्यापार मंडलों से किया है, उनसे करबद्ध अपील की है कि शनिवार को 14 तारीख को आप 10 से 12 बजे तक अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद करें और हिंदू समाज के ऊपर जिस प्रकार से आक्रमण विधर्मियों के द्वारा किया गया है उसका पुरजोर विरोध करें और हिंदू समाज के पक्ष में समर्थन करें, ऐसा हमारा उन सभी से निवेदन है। संजौली में हिंदू समाज के ऊपर हुए बर्बर लाठीचार्ज के विरोध में
कल 14 सितंबर को सभी हिंदू संगठनों ने हिमाचल बंद का आह्वान किया है और प्रातः से लेकर के दोपहर 1:30 बजे तक अपने सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकानें बंद रखें। तो संजौली में लाठीचार्ज पर हिमाचल बंद जी वीएचपी समेत कई संगठनों का ऐलान हुआ है। लाठीचार्ज के खिलाफ बंद का आह्वान किया गया है। सभी दुकान बाजार बंद रखने की अपील की गई है। व्यापार मंडल शिमला ने इससे किनारा कर लिया, दुकानें खुली रखने का ऐलान किया गया है। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़े। मोहित, लगातार इस तरह से स्थिति बनी हुई है शिमला में, वीएचपी की तरफ से, हिंदू संगठनों की तरफ से जो आह्वान किया गया शनिवार के लिए, उसमें क्या कहा गया है और किसका समर्थन मिल रहा है और किसका समर्थन नहीं मिल रहा है इस बार? देखिए, कई व्यापार संगठन है जिन्होंने समर्थन किया है, लेकिन शिमला व्यापार संगठन जो है, व्यापार मंडल जो है, उनका कहना है कि वो पहले ही जो लाठीचार्ज हुआ था संजौली घटना में, पुलिस के द्वारा जब प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उसके विरोध में अपनी दुकानें बंद रख चुके हैं। तो अब दोबारा से बंद बुलाने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन पूरे हिमाचल में बंद की कॉल दी गई है। दोपहर 1:30 बजे तक दुकानों को बंद रखने का अनुरोध किया गया है। विश्व हिंदू परिषद है और इसके अलावा कई अन्य हिंदू संगठन है जो कि इस हिमाचल बंद की कॉल में शामिल हैं। और अब देखना होगा कि इसका कितना असर मिलता है, क्योंकि शिमला में पहले घटना हुई, उसके बाद मंडी में जो मस्जिद विवाद शुरू हो गया है उसमें भी पुलिस के लाठीचार्ज से हिंदू संगठन नाराज है। उनका कहना है कि अवैध मस्जिदों पर कार्रवाई करने की बजाय हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जब विरोध करते हैं तो उन पर पुलिस एक्शन ले रही है, उन पर पुलिस की कार्रवाई हो रही है। इसी के विरोध में हिमाचल बंद की कॉल दी गई है। अब देखना ही होगा कि कितना इसका इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन काफी व्यापार मंडल है ना सिर्फ शिमला में बल्कि पूरे के पूरे हिमाचल में जिन्होंने इस कॉल का समर्थन देने की बात कही है और दोपहर 1:30 बजे तक दुकानें बंद रखी जा सकती हैं। शुक्रिया आपका मोहित पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से बंद बुलाया गया है, हालांकि कहा जा रहा है कि व्यापार मंडल ने इस बंद से किनारा जरूर कर लिया है। नजर बनी रहेगी शिमला की इस खबर पर। आगे बढ़ते अब आपको बताते हैं, एक विवाद हिमाचल के मंडी में भी मस्जिद को लेकर गहराया है। मंडी में ये मस्जिद जेल रोड पर बनाई गई है। ये 30 साल पुरानी मस्जिद बताई जा रही है। शुरुआत में ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक सीमित थी, लेकिन आरोप है कि इसी साल मार्च के महीने में यहाँ 2 अवैध मंजिलें और जोड़ दी गई। मस्जिद के साथ ही एक बाउंड्री वॉल बनाकर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का भी आरोप है। मस्जिद के इन्हीं अवैध हिस्सों को लेकर मामला नगर निगम आयुक्त कोर्ट में पहुंचा। यहां जून 2024 से मस्जिद के अवैध हिस्से को लेकर केस चल रहा है। नगर निगम ने उसी समय आगे के निर्माण को रोकने का नोटिस दिया था। उस समय जांच की गई थी तो कुछ जमीन पीडब्ल्यूडी की पाई गई थी। ये मामला उसी समय से ज्यादा हाईलाइट है। और संजौली की तरह यहां भी हिंदू संगठनों का आरोप है कि मस्जिद के कुछ हिस्से न सिर्फ अवैध हैं बल्कि यहां भी बाहरी लोग आकर रहने लगे हैं, जिससे इलाके की डेमोग्राफी प्रभावित हो रही है। इन्हीं आरोपों को ध्यान में रखकर हिंदू संगठन लगातार विरोध की आवाजें उठाते रहे हैं। प्रशासन और हिंदू संगठनों के बीच एक मीटिंग भी हुई थी, लेकिन बातचीत बेनतीजा रहने के बाद भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान नगर निगम आयुक्त HS राणा की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी हुई। कोर्ट ने मंडी में मौजूद इस मस्जिद की 2 अवैध मंजिलें अगले 30 दिन में गिराने का आदेश दिया है। पुरानी स्थिति को बहाल करने का ऑर्डर जारी हुआ है। अगली खबर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से आ रही है। जी हां, कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर जारी है। एनकाउंटर में सेना के 2 जवान शहीद हुए हैं, 2 घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने जैश के 3 आतंकियों को घेरा है। देखिए, 4 बजे के करीब हमें एक अपडेट मिली कि नाइट का जो पासरकोट साइड है वहाँ पे एनकाउंटर चल रहा है। हमने इमीडिएटली अपनी मेडिकल टीम रश करवाई और हमने वहाँ से अभी तक 2 इंजर्ड इवैक्यूएट किए हैं, उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए किश्तवाड़ भेजा है और उन्होंने वहाँ से लिफ्ट किया है, एयरलिफ्ट और फर्दर मैनेजमेंट एट जम्मू। अभी तक 2 हमारे जवान, आर्मी के जवान शहीद हुए हैं जो अभी हमारे हॉस्पिटल में है, इनको हमने इवैक्यूएट किया है यहाँ से। तो किश्तवाड़ में एनकाउंटर से जुड़ी अपडेट आपको दे दें, किश्तवाड़ के चतरू में आतंकियों से मुठभेड़ की खबर। आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हुए। व्हाइट नाइट कॉप्स के नायब सूबेदार विपिन शहीद हो गए हैं। व्हाइट नाइट कॉप्स के सिपाही अरविंद सिंह भी शहीद हो गए। मुठभेड़ में घायल 2 और जवानों का इलाज चल रहा है, वो घायल बताए जा रहे हैं। सेना ने जंगलों में छिपे 3-4 आतंकियों को घेर रखा है। जैश के 3 आतंकी की मौजूदगी की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया। तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों से मुठभेड़ हुई। वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी।
अंकित भट्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। अंकित, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, कल किश्तवाड़ के छात्रों के डुगाडा फॉरेस्ट के में सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली कि यहाँ पे 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन को लॉन्च किया जाता है। हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर होता है और इसी एक्सचेंज ऑफ फायर में भारतीय सेना के 4 जवान घायल हो जाते हैं, जिनमें से भारतीय सेना के 2 जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो 2 जवान जो है उनका उपचार इस समय मिलिट्री हॉस्पिटल में चल रहा है। इस पूरे इलाके की बात की जाए तो एक चिनाब वैली का किश्तवाड़ जिला पड़ता है, जहां पर ये एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। घने जंगल का इलाका है, माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है और प्राथमिकता ये है कि किसी भी तरीके से अब कोलैटरल डैमेज जो है वो ना हो सके और इन आतंकियों को जल्द से जल्द ढेर किया जा सके। माना ये जा रहा है कि जिस इलाके में यहाँ पर आतंकी छुपे हुए, घने जंगल का इलाका है, डेंस फॉरेस्ट का इलाका है, यही वजह है कि इस ऑपरेशन में कुछ समय और लग सकता है। बहुत शुक्रिया आपका अंकित पूरी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ रहे हैं और अब बात करेंगे उस खबर की जो सीधे आपकी जेब से जुड़ी हुई है। यह सिर्फ खबर नहीं बल्कि हर उस घर की चिंता है जो महंगाई से परेशान है। संकेत मिल रहे हैं कि बहुत जल्द पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन ने इसके संकेत दिए हैं और अब इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, देश के करोड़ों परिवारों में हो रही है। तो पहले ये जानिए कि पेट्रोलियम सेक्रेटरी ने संवाददाताओं से बातचीत में आखिर क्या कहा है, जिससे ये संकेत मिल रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पेट्रोलियम सेक्रेटरी पंकज जैन ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कहा है कि लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बने रहते हैं, तो तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल सस्ता करने पर विचार कर सकती है। बस उनके इतना कहने के बाद से पेट्रोल डीजल पर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। हर किसी को इंतजार है कि कब ये राहत मिलेगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से देश के करोड़ों लोग सीधे प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 27 करोड़ दो पहिया वाहन हैं, भारी वाहनों की संख्या 58 लाख है और 6 करोड़ प्राइवेट गाड़ियां हैं। अगर मान लें कि औसतन एक नागरिक के पास एक गाड़ी है, तो पेट्रोल डीजल के दाम कम होने से सीधे सीधे 33 करोड़ 46 लाख लोगों को इसका फायदा होगा। और आपको 3 वजह बताते हैं जिसके बाद ये चर्चा हो रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का ये सही टाइमिंग है, ये सही समय है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहली वजह ये है कि कच्चा तेल लगातार सस्ता हो रहा है। पिछले 6 महीने में कच्चे तेल के दाम 20.61% कम हुए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि इस कमी का असर भारतीय लोगों की जेब पर भी दिख सकता है। दूसरी वजह यह है कि रिफाइनरी मार्जिन से तेल कंपनियों की कमाई बढ़ी है। वर्ष 2023-24 में तेल कंपनियों ने हर लीटर की रिफाइनिंग पर 6.50 रुपए कमाए हैं। और तीसरी वजह, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।